इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, सेंट्रॉइड फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। इस तरह से हमें ये पांच फॉर्मूले यूज करने हैं। इन पांचों को आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स फॉर्मूला क्या दिख रहा है, एंड देन इन जनरल फॉर्म जब हमें सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट्स के जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे दिख। आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है नो डाउट, आप लोग को याद कुछ नहीं रहता। तो ये फॉर्मूले देख लो, देन हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे। आज एक्सरसाइज सर वॉइस ब्रेक हो रही है, उसमें देखते हैं कैसे होता है। सर आपने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया सर, वो आपका पेज भी आज तो क्या अलाइनमेंट अलग है, मतलब हॉरिजॉन्टल दिख रहे। हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। टू द क्वेश्चन सेज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर व्हिच इज पी क्यू। वी हैव लाइन पी क्यू, उसको आर डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। इंटरनली एक बार बोल रहा है और एक्सटर्नली बोल रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 3:2 इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो दोनों केस में हमें आर का पोजिशन वेक्टर फाइंड करना है। पोजिशन वेक्टर फाइंड करना मतलब आई जे के में उसकी वैल्यू फाइंड करना। पी हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन क्या पी बार दिया हुआ है, पी बार इज 2i - j+3k एंड क्यू बार इज ऑल्सो गिवन -5i + 2j - 5k। The sum is very, very, very easy. So, when start कैसे करोगे? When point R divides segment PQ internally in the ratio, internally in the ratio 3:2. 3:2. Therefore R bar equals to, आप देखो यहाँ पे हम लोग इंटरनल डिविजन अप्लाई कर सकते हैं, तो R bar will be equals to 3 × Q, 2 × P। हमारा फॉर्मूला क्या था, थ्योरम प्रूव किया था कि इफ P divides AB in the ratio m:n, तो P bar की वैल्यू क्या आई थी, MB+NA/M+N, ये फॉर्मूला था। तो सेम चीज यूज करेंगे, R bar equals to 3Q+2P, so 3Q+2P/3+2, this is the formula. Now substitute the value of P and Q and you will get the required answer. 3 × Q, Q is -5i + 2j - 5k, plus 2 × P, 2i - j + 3k, divided by 3 + 2 is 5. Okay, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, -59i + 6j - 15k + 4i - 2j + 6k by 5. So this is now -59i + 4i = -11i + 6j - 2j + 4j. This is the value of R bar. That's it, your final answer. The position vector of R bar is -11i + 4j - 9k/5. Samjha kuch? Hello. Haan sir. Simple sa formula. Internal division tha, to maine kya kiya? Formula apply kiya aur value substitute kiya. Jo answer hai, wahi मिल गया। अगर देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, एक्सटर्नल डिवीजन भी बोला है, तो एक्सटर्नल डिवीजन बोला तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा समझ में आ रहा है, सिर्फ साइन का, यहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ,
फॉर्मूला है एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन. तो एक्सटर्नल डिविजन बोलते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक. यस सर. हेलो. ओके, सो एक्सटर्नल डिविजन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द साइन. यस, कम से कम मैसेज में मुझे हाँ, थैंक्स मुस्कान, मैसेज में मुझे हाँ या ना बोलते रहो कि मैं समझते रहूं. ओके, नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, अरे आंद्रे साहब क्या बोलता है, तेरा नाम देखा इतने सालों बाद, अच्छा लगा. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम ज्वाइनिंग एल एंड एन. क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू रीड करो. फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम joining the points L and N. So since M is midpoint of L N, ये भी बहुत ज्यादा easy sum है, कुछ ज्यादा easy sum है. आपको L और N दिया हुआ है, तो simple formula is M bar equals to L bar plus N bar by 2. This is the midpoint formula, by midpoint formula. अब L का value दिया हुआ है 7i minus 6j plus 12k. Coordinate दिया है, मतलब उसको ij k form में लेना पड़ेगा. 7i minus 6j plus 12k and n bar is 5i plus 4j minus 2k. Substitute here. अगर substitute करते हो, so what you will get, 7i minus 6j plus 12k plus 5i plus 4j minus 2k upon 2. 7 plus 5, 12. 13 बोल रहे भाई. माइनस सिक्स प्लस फोर, 12 माइनस टू बाई टू, टू इज कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 6i माइनस जे प्लस 5k. दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M. वेरी 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 इजी. हाँ, नाउ थर्ड सम इज लुकिंग गुड एक्चुअली. इसमें थोड़ा सा हमें इजी है, लेकिन अच्छा सम है. इनफैक्ट इस तरह के सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. नालायक है, फुल पेज दिखा के क्या दिखेगा तेरे को, ये फुल पेज ही है. इसमें तुझे क्या दिख रहा है, सम वाइज देखना भाई. ओके, सब लोग क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छे से रीड करो, टेक्स्ट बुक में है सामने, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान दो, ये एक अच्छा सम है. द सम इज, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए 30 पी 30 पी, बी इज माइनस वन क्यू थ्री माइनस वन क्यू थ्री and C is minus 330. Okay, so given A, B and C, all three points are collinear, then find the ratio in which the point C divides the line segment AB and also the values of P and Q. The first point hai, hello, haan? इंटरनली या एक्सटर्नली, कुछ बोला किसी ने, क्या पूछा, इंटरनली पूछा है ना, क्या एक्सटर्नली क्या पूछा है सर, पूछा है द रेशियो इन व्हिच द सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एबी. कुछ कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन नहीं दिया तो हम लोग इंटरनली ही जाएंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें एक अच्छा पॉइंट बोल दिया अमन ने धोखे से, कभी कभी वो काम की बातें, वो खुद नहीं बोला लेकिन मेरा दिमाग चल रहा है. अच्छा, दो तीन चीज और आपको समझना है इस टाइप के सम्स के लिए. सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो, मेरी आवाज पे फोकस करो. सिंस इट इज गिवन दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर का इतना तो हमें मीनिंग मालूम है कि भाई कोलिनियर मतलब ऑल थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन. ठीक है. अब ये ऐसा भी हो सकता था या ऐसा भी हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्लियर है कि ए बी एंड सी एक ही लाइन पे हैं. और जब ए बी सी एक ही लाइन पे हैं, तो
कोई ना कोई एक पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को हम बोल सकते हैं कि डिवाइड कर रहा है। अगर इस तरह से आ गया तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि C इज डिवाइडिंग AB इंटरनली, या ऐसा भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं ना, प्लीज उसको सुनो पांडे जी, दिमाग के दही मत क्या करो, थोड़ा सुनो मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला, कोलिनियर बोला, उसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, इस सम से भी बाहर हट गया, इस सम की बात करना मैं बंद कर दिया, मैंने क्या बात किया कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर बोल रहा है इसका मीनिंग क्या बन रहा है, इसका मीनिंग बन रहा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो इसके अलग अलग मीनिंग आप यूज कर सकते हो, क्या फर्स्ट बोल सकते हैं सी इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली, या ऐसा बोल सकते हैं बी इज डिवाइडिंग ए सी एक्सटर्नली, या ए इज डिवाइडिंग बी सी एक्सटर्नली, ये तीनों कंडीशन हो सकता है, बट इन तीनों केस से ये चीज क्लियर है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, इसका मतलब वो कोलिनियर है, मैं सिर्फ उस मीनिंग की बात कर रहा हूं इस समय, ठीक। दूसरी चीज कि जब आपको इस तरह से कोलिनियर दे देगा, अब इस पर्टिकुलर समय इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि C इज डिवाइडिंग AB, ये क्लियर बोल दिया, तो आपको अब उस तरह से सॉल्व करना है कि C के लिए वो रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो अब इसमें एक पॉइंट क्या याद रखना है, अब कल तो अमन बहादुर ने हमें कहा था कि हमको डिवीजन फॉर्मूला सब याद ही नहीं है, लेकिन जिसको भी याद होगा तो आप ध्यान दो कि जब हमें ऐसा कोई पूछता था कि फाइंड द रेशियो इन विच सी इज डिवाइडिंग ए बी, तो हम लोग अज्यूम करते थे लेट दैट रेशियो बी एम इज टू एन, याद है किसी को भी? हाँ सर, यस सर। चलो, ये आपने जब भी डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा रहेगा तो ये पॉइंट आता ही था कि फाइंड द रेशियो इन विच एनी पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, तो हम लोग जनरली यूज करते थे लेट दैट रेशियो बी एम इज टू एन। अब क्या किया है, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, शायद स्ट्रेट लाइन में था या नहीं, 11th में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट छोटा सा पॉइंट आपको क्या समझना है, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग एम इज टू एन, नाउ सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन अज्यूम समथिंग इज टू वन ऑल्सो, समथिंग इज टू वन, समथिंग मीन्स एनी स्केलर क्वांटिटी लाइक के एम टी जो भी अज्यूम करो, बट समथिंग इज टू वन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग m इज टू n लेके सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान दो आपको किसी भी तरह से m और n की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ जाती है, m और n की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ जाती है, लेकिन जब k इज टू वन में लोगे तो क्योंकि एक वन ऑलरेडी गिवन वैल्यू में आ गया तो आपको सॉल्व करने में हल्का सा इजी पड़ जाएगा, हल्का सा इजी पड़ जाता है। और जैसे अगर m is to n में लोगे तो आपको ऐसा वैल्यू आता ना m by n let's say 2 by 3 ऐसा आएगा जब सॉल्व कर लोगे पूरा, तो जब k is to 1 में लोगे ना तो k की वैल्यू ही आ जाएगी 2 by 3, k is to 1 होगा तो k का वैल्यू ही आएगा 2 by 3, अगर m by n से सेम सम सॉल्व करोगे तो m by n आएगा 2 by 3, और उसी सम को k is to 1 से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा k की वैल्यू 2 by 3, k की वैल्यू 2 by 3 मतलब that ratio is 2 is to 3 क्योंकि हमने k is to 1 assume किया था, तो क्योंकि 1 है तो इसके वजह से थोड़ा सा इजी पड़ जाता सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो, इससे थोड़ा बेटर पड़ेगा, बट अगर आपको नहीं लगा अजीब लगा तो आप m is to n में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व होगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सम, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, यस फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, सो लेट Let point C divides seg AB internally, मैं internally assume करके चल रहा हूं, यहां पर भी एक point आपको ध्यान देना है, internally in the ratio क्या लेना चाहिए, m is to n या k is to 1, क्या लूं बोलो, m is to n, नालायक है मैं, केस टू वन लूंगा, नया ट्राई करूंगा, क्यों नहीं करूं, अजीब है तू भी, जो करते आया वही करेगा। सो और एक चीज और एक बात ध्यान देना है, अगर आपको कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि फाइंड द रेशियो इंटरनली और एक्सटर्नली,
In that case, always try to solve by using internal division formula. Internal division formula. और लास्ट में क्या रेशियो आता है वो डिसाइड करेगा कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल. जैसे कि ये सब मैं सॉल्व करके आपको एंड में बोलता हूँ, वैल्यूज आने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होगा. बट इन जनरल अगर आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज सॉल्व बाय यूजिंग इंटरनल डिविजन फॉर्मूला. ठीक. सो लेट पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो के इज टू वन. तो क्योंकि सी इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली इन द रेशियो के इज टू वन, तो फॉर्मूला क्या आएगा देखते जाओ. सी बार इक्वल्स टू के इन टू बी, के इन टू बी प्लस वन इज टू ए अपॉन के प्लस वन. ये मेरा फॉर्मूला आएगा. एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन. आप लोग को जो आदत होती है आप उसी में सोचते हो तो कोई बात नहीं. हमारा फॉर्मूला है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन. यहाँ पे एम मैंने के लिया है, एन वन है. That's why this is KB plus 1A upon K plus 1. अब luckily अपने पास A, B, C तीनों का values दिया हुआ है. A is 30P. Since A is 30P, B is minus 1Q3, C is minus 3, minus 30. C is minus 3, minus 30. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C bar की value क्या लिखेंगे हम लोग. अरे यहाँ पे अंधेरा इतना होते जा रहा है ना, मैं हाथ रखते ही अंधेरा हो रहा है. सी बार माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस जीरो के इंटू के प्लस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू के प्लस वन इक्वल्स टू के इंटू बी. बी का वैल्यू दिया है माइनस वन क्यू थ्री. माइनस वन क्यू थ्री मतलब माइनस आई प्लस क्यू जे प्लस थ्री के प्लस वन इंटू ए. ए का वैल्यू दिया है 30P, तो 3i प्लस 0j प्लस pk, ये आ गया. अब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आप दोनों तरफ से ij k का कोएफिशिएंट इक्वेट सको. ठीक. तो इसके लिए पहले मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो पहले k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, या आप k प्लस 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बाद में स्प्लिट कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे गेम खेलते हो. तो मैं देख रहा हूं तो कैसे होगा, माइनस 3k i प्लस 3k j, जीरो वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं, प्लस ये k से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा. क्या आएगा, माइनस 3i प्लस 3j. ये समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, किसको इसमें भी अजीब लग रहा है क्या. हेलो माइक चेक. नहीं सर ठीक है. हाँ, फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड इन दिस ब्रैकेट बाय के एंड देन बाय वन. थैंक्स पांडे जी, आप हिम्मत देते हो. देन अगेन मल्टीप्लाई बाय के हियर. सो माइनस के आई प्लस क्यू के जे प्लस थ्री के. जरा ध्यान देना, यहाँ पे मुझे के नहीं लेना चाहिए था, कुछ अलग स्केलर क्वांटिटी लेना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा. 3i प्लस pk, क्योंकि j वाला पार्ट यहाँ पे जीरो है. ओके, t कुछ या ऐसा m is to 1 ऐसा कुछ लेना चाहिए था. कंफ्यूज मत होना k देख के बस. अब देखो मैंने गलती क्या किया, जो काम मुझे पहले करना चाहता वो एक स्टेप मैंने बेकार में लिया. k प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करना चाहता, बेटर होता, क्योंकि कॉमन ही लेना है. So what we have now, ये देखो वही करना चाहिए था. सॉरी यहाँ कोई फायदा नहीं है यहाँ पे. ठीक, क्योंकि हमें अगर कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो कोएफिशिएंट प्रॉपर वे में होना चाहिए था. ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस के आई प्लस थ्री आई, सो माइनस के प्लस थ्री इंटू आई प्लस क्यू के जे. यहाँ पे जे वाला पार्ट ही नहीं था तो क्यू के जे एज इट इज प्लस थ्री के पी.
थ्री के प्लस पी इंटू के क्या, अब करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। यहां पे i का कोएफिशिएंट है माइनस के प्लस थ्री, यहां पे i का कोएफिशिएंट है माइनस थ्री इंटू के प्लस वन, सो माइनस थ्री इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू के प्लस थ्री, माइनस के प्लस थ्री सॉरी। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट मिलेगा j का कोएफिशिएंट 3 इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू के, एंड k का कोएफिशिएंट, k यहां पे था ही नहीं मतलब जीरो, इक्वल्स टू 3k प्लस p। ये तीन पार्ट मिल गए। अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे दिख रहा है मेरा आंसर आ रहा है, k की वैल्यू आने वाली है, सो माइनस थ्री के प्लस के इज माइनस टू के इक्वल्स। कहा चलो रे, कोई कुछ बोला क्या? k माइनस थ्री। अच्छा, अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट को, प्लीज अच्छे से फोकस करना। मैंने शुरू में क्या कहा था, हमने क्या अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि लेट पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो के। हेलो सर, वॉइस गया। और सॉल्व करते हैं जो नेगेटिव आ गई है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही हर सम को स्टार्ट करोगे, अगर कोई भी डिवीजन नहीं बताया है तो आप इंटरनली से सॉल्व करोगे, और अगर लास्ट में वो वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर वो वैल्यू निगेटिव आ गया इसका मतलब डिवीजन एक्सटर्नल था जी, ठीक। अगर वो पॉजिटिव आता तो डिवीजन इंटरनली था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर वैल्यू निगेटिव आ गया मतलब डिवीजन एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है कि सर लिखने का कैसे, इसको ऐसा लिख सकते हो, आप ज्यादा सोचो मत, ऐसा लिख सकते हो, इट मींस पॉइंट सी डिवाइड्स सेग ए बी, आप ऐसा ही करो, डरो मत, इंटरनली। अब देखो जरा सोचने वाली बात है, इन द रेशियो माइनस थ्री इज टू वन, अगर किसी को लिखने में डर है तो, नहीं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसी को बोल सकता हूं एक्सटर्नली इन द रेशियो थ्री इज टू वन। कर ला का गाई? हाँ, यस सर। अगर मुझे इंटरनली ही बोलना है, इंटरनली, क्योंकि बहुत लोगों ना वो वैल्यू देखने के बाद लिखते समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप उसको बोलो इंटरनली एज इट इज, जो दिया हुआ है, जो वैल्यू आया माइनस थ्री इज टू वन भाई, यही है, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं लेना है। या जिसको समझ में आ रही है तो उसको बोल सकते हैं एक्सटर्नली इन द रेशियो प्लस थ्री इज टू वन कर दो, ठीक। अच्छा, अगर दो तीन सम खुद से सॉल्व करोगे तो और आइडियाज आएंगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें भी देख लेना। अब क्योंकि k की वैल्यू आ चुकी है तो आप इजिली q की वैल्यू और p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस वन इज q इंटू माइनस थ्री, सो थ्री इंटू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री क्यू, सो ये कैंसिल हो जाएगा, q की वैल्यू टू आ गई। थैंक्स आकांक्षा, अरे सड़क साहेब, थैंक यू वेरी मच। एंड हियर थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस पी, सो जीरो माइनस नाइन इज प्लस पी, सो पी इज नाइन। सो एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन आया, दिस क्वेश्चन विल गिव यू थ्री मार्क्स, ये तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से मैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। किसी को अब तक पे कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, ये अच्छा सम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ दो ही तीन लोग बात करते हैं, किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट लग रहा है तो पूछो, घबराओ मत, मैं आपको कुछ भी ऐसा डांटूंगा नहीं, चलो इतना मैं ये बोल रहा हूँ।
सर ये वाला सम का, हाँ इस सम के बेसिस पे। कोई डाउट नहीं है तो तुझे एक्स्ट्रा कुछ पूछना था क्या? हाँ सर लास्ट में पूछूंगा। अच्छा अच्छा गुड, पांडे जी समझदार हो गए कल से, गुड। तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपके सामने है तो आप सिर्फ ध्यान दो। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये जहां तक मुझे याद है विदाउट वेक्टर फॉर्म में आप लोगों ने 9th में प्रूव किया है, 9th स्टैंडर्ड में यही सब था। कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है लेट्स से, अब उसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं। लेट मैं नाम ले रहा हूं पी क्यू आर एस, और अब क्या बोल रहा है आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखो 9th में आपको सिखाया गया था, वही चीज यहाँ पे याद आएगी। कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को जब प्रूव करना है इसका मतलब उसके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए दिखाना है। अगर उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इट मींस वो स्ट्रक्चर उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो पैरेललोग्राम का जो सबसे प्यारा सा प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर ऐसा बोल देंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में वेक्टर याद करो, अब ये जनरल प्रॉपर्टी हमने बोला। अब वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में मुझे मालूम है पैरेलल प्रूव करना मतलब हमें ये दिखाना है एनी वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर। इफ एनी वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर इट मींस बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट किया, कोलिनियर वाला प्रॉपर्टी याद करो। तो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहा हूं देखो, सबसे पहली चीज इस टाइप के समय आपको करना क्या पड़ेगा पता है? किसी को 11th स्टैंडर्ड के पुराने बुक कहीं से मिले क्या? नो सर, किसी को नहीं मिला। क्या बात करता है रे। ओके चलो कोई गल नहीं, आपको एक चीज सीखना है। मोस्टली क्या होता है, एक पॉइंट मोस्टली जहां पे मिड पॉइंट्स वर्ड यूज करेगा ना इस तरह के डायग्राम में, खासकर मिड पॉइंट में सम सॉल्व करने के लिए पोजीशन वेक्टर वाला मेथड लो, धड़ाधड़ सॉल्व होता है। अब यहाँ पे ज्यादा सम है ही नहीं तो आप लोग उसके मीनिंग को पकड़ना मुश्किल है, पहले के बुक्स में थे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट ए बार जितने भी पॉइंट्स है बी बार सी बार डी बार पी बार क्यू बार आर बार एस बार बी द पोजिशन वेक्टर्स, जितने भी पॉइंट्स हैं बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। अपना रिस्पेक्ट होना हो इसको देना पड़ता है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमेशा लिख देने का। पोजिशन वेक्टर आ गया। अब डेटा क्या था सम को समझो, जो स्टेटमेंट आप पढ़े हो उसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब एडजेसेंट साइड्स जो है उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
Therefore, by midpoint formula, क्या मिलेगा? P bar equals to A bar plus B bar by 2. ये midpoint formula. Similarly, Q is midpoint of BC. Q जो है वो midpoint किसका है? BC का है. मैं ये अभी roughly लिखा. तो Q bar equals to B plus C by 2. Point number 2. उसी तरह से देखो, R जो है वो midpoint है CD का. S जो है midpoint है AD का. तो R is midpoint of CD. तो R bar equals to C plus D by 2. S is midpoint of AD. S bar equals to A plus D by 2. Point 3, 4. मैं चारों पॉइंट्स के लिए midpoint formula अप्लाई कर दिया. अब वापस मैं अपने पॉइंट पे जा रहा हूं. ध्यान दो, हमें दिखाना है PQRS एक पैरेललोग्राम है. तो मैंने कहा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हमें यह दिखाना है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल है. मतलब हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट. अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट थिंग वी हैव टू शो पीक्यू इज पैरेलल टू एसआर. पीक्यू इज पैरेलल टू एसआर. ऑल्सो मॉड पीक्यू इज इक्वल टू मॉड एसआर. ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मिल गया इक्वल एंड पैरेलल. यही एनफ है. आपको दूसरा प्रूव करना है तो सेम मेथड से दूसरा भी प्रूव कर सकते हो. बट कोई भी एक पेयर दिखा दो इक्वल एंड पैरेलल तो काम खत्म हो. आपको दोनों दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो हमें दिखाना है फर्स्ट ऑफ ऑल पीक्यू इज पैरेलल टू एसआर एंड देन मॉड ऑफ पीक्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ एसआर. तो वेक्टर फॉर्म में, जैसे मैंने अभी अभी कहा था, वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे ये दिखाना है कि दैट वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर. मतलब हमें दिखाना है पीक्यू बार इज समथिंग इनटू एसआर बार. अगर पीक्यू बार इक्वल्स टू समथिंग इनटू एसआर बार हो गया, मतलब दोनों पैरेलल है, काम खत्म हो जाएगा अपना. तो इसलिए मैं पहले पीक्यू बार की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर मैं एसआर बार की वैल्यू फाइंड करूंगा और देखूंगा दोनों में रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक, तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ पीक्यू बार. नाउ PQ bar is actually Q minus P. Q की value देखो यहाँ पे है V plus C by 2. P की value A plus B by 2. ये value है, मैं यहाँ पे substitute कर रहा हूँ. Q की value है V plus C by 2 minus A plus B by 2. ये P की value. Substitute किया. Now, calculation, simple calculation. डिवाइड बाई टू, डिनोमिनेटर सेम है. तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी होगा. बी और बी कैंसिल होगा. ध्यान दो, आपको मिलेगा सी माइनस ए बाई टू. जब पी क्यू बार को हम लोग लिखते हैं क्यू माइनस पी, तो सी माइनस ए क्या होगा? ए सी. समझा ये स्टेप? यस. ये आपकी PQ बार की वैल्यू आ गई. PQ बार इज हाफ AC बार. अब उसी तरह से ये मुझे PQ फाइंड करना था, PQ मिल चुका है. अब दूसरा वेक्टर क्या था? SR. सेम गेम खेलना है SR के लिए. तो ना SR बार, SR बार क्या हो जाएगा? R माइनस S. R माइनस S मतलब R की वैल्यू देखो C प्लस D बाई टू, S की वैल्यू A प्लस D बाई टू. तो C प्लस D बाई टू माइनस A plus D by 2. Same point. D minus D cancel हो जाएगा. मिलेगा C minus A by 2. That is nothing but AC by 2. That is nothing but we can say SR bar equals to half into AC bar. अब दोनों को देखो. PQ is half AC. SR is also half AC. It means PQ is equals to SR. बराबर ना? यस सर. हाँ, थैंक यू. सो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर. इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी क्यू इज समथिंग एंड टू एस आर. दैट समथिंग इज हियर वन. कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स इट इज वन. सो सिंस पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, सो डायरेक्टली वी कैन से पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. और इसी को मॉड वाइज, क्योंकि कोई कोएफिशिएंट नहीं आया है, मॉड वाइज बोल सकते हैं आप लोग. मॉड पी क्यू is equals to mod SR and hence PQRS is a parallelogram. Sum is over. ध्यान से देखो कितना easy sum था.
किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो सर। QSRP साहब धन्यवाद। सिमिलर के लिख देने का है, क्या बोला वापस बोल प्लीज सर। फॉर QS एंड PR सिमिलरली करके, यहां सिमिलरली वी कैन प्रूव, यस सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, चलेगा अगर लिखना है तो। ओके यस सर, अगर हम लोग ने PQ पैरेलल SR लिख दिया तो उसका रीजन क्या देने का? उसका रीजन यही, उसका प्रीवियस स्टेप भी है, वो रीजन यहाँ उसके बाद ही आया है, इसका मीनिंग ही वही होता है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कंडीशन में इसका। सी आप फर्स्ट लेक्चर को याद करो, मैंने आपको पोलिनर के बारे में क्या बताया था, इफ एनी वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर इट मींस बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल और पोलिनियर। तो यही कॉन्सेप्ट आया ना, दैट अल्फा इज हियर वन नथिंग इट मींस इट इज वन। आपको और कंडीशन का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ बोल रहा था भूल गया। ठीक है समझा, आगे बढ़ूं। कंटिन्यूस। ओके 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 ओके, यहाँ पे दो सम हैं, दो सम हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों सम अजीब हैं, कल जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, बड़े अजीब सम है, कुछ ज्यादा ही लेंथी है, मैं और दोनों सेम मेथड है 6th and 10th। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सम होगा कैसे वो देखो। सम का मेथड ये है, ये वाला, ठीक, डिवीजन फाइंड करना है तो मेथड ये होगा, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे दो पार्ट को इक्वेट करना है, तो एक का रेशियो अगर केस टू वन है, सपोज जैसे कि यहां पे दे दिया सी इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली इन द रेशियो केस टू वन, तो ये फॉर्मूला आया। सेम सी इज डिवाइडिंग नाउ सी डी अलग कोई पार्ट को इन द रेशियो लेट्स से एम इज टू वन, तो वहां पे दोनों को इक्वेट करना है, और दोनों को इक्वेट करना मतलब बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है सिंपल, मतलब उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, यही चीज यूज किया गया है, लेकिन बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। तो मेरा सजेशन ये है ना, 6th and 10th आप लोग प्लीज एक बार नोट सेट देखने की कोशिश करो, देखो उसमें कुछ अलग अलग क्या दिया हुआ है। नहीं समझा तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी होगी, लेकिन वो बहुत लेंदी है कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि अगर आप में से कोई सोच सकता है यहाँ के प्लस वन है उसके इक्वल्स टू में एम प्लस वन आएगा, तो उसको कैलकुलेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर इक्वेट करना, ये सब चीजों में बहुत लंबा प्रोसेस बनने वाला है। ठीक, ट्राई करोगे सब लोग? हेलो, हाँ मैंने बोल दिया तो ऑप्शन क्या है। यस, अरे पाटिल साहब थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक और प्रूव करने का है, क्वेश्चन नंबर नाउ आफ्टर 57th। अच्छा आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, अभी नया क्योंकि ये लोग ने चेंज किया है तो मुझे नहीं पता क्या किया। सर वो क्वेश्चन एक बार समझा, उसमें क्या बोल रहे हैं वो ही नहीं समझ रहा। कौन सा क्वेश्चन? 6th वाला। 6th और 10th एक बार नोट्स में देखना ना भाई, उसको रोकते हैं, वो टाइम खाएगा, देखेगा तो तेरे को समझेगा, देख लेना, नहीं तो कल कुछ भी रहेगा तो कल पूछना उसके बेसिस पे। ठीक, ओके सुनो, दो तीन साल पहले जो 12th का टेक्स्ट बुक था उसमें वेक्टर्स के पार्ट पांच थे। फर्स्ट टॉपिक था वेक्टर्स, सेकेंड टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, थर्ड टॉपिक था 3D ज्योमेट्री, फोर्थ टॉपिक था लाइन एंड फिफ्थ टॉपिक था प्लेन, जिसको इस बार में इन लोगों ने दो टॉपिक में डिवाइड कर दिया। मैं ये इसलिए आपको बोल रहा हूं, उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स वाला पार्ट था
उसमें छह एप्लीकेशंस थे, छह एप्लीकेशंस, और छह में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म था, छह में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म था। अब यहां पे जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने उसमें से दो एप्लीकेशन दिख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक मर्ज कर दिया है, तो दो एप्लीकेशन मेरे सामने दिख रहे हैं, इन विच सेवेंथ वन इज फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये पहले के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। अब न्यू सिस्टम में टीचर इसको कितना वैल्यू देंगे मुझे नहीं पता, बट पहले के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, और देखो कितना कितना इजी है। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वी हैव वन क्वाड्रिलेटरल, लेट्स से अगेन ए बी सी डी, यहां पे डायगोनल बोल रहा है, कुछ भी नाम दे दो, पी हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अब जरा प्लीज पॉइंट को समझो कि यहां पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। यहां पे दो बात बोला जा रहा है, दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो प्रूव करो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट है, इफ डायगोनल्स बाइसेक्टिंग देन प्रूव करो कि वो पैरेललोग्राम है। कुछ बात समझा? हेलो। यस सर। अरे अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? बस हाँ, वो इम्पोर्टेंट। सर वापस बोलूँ? हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सुन क्या करना है। देखो, इफ एंड ओनली इफ इसके वजह से, फर्स्ट थिंग इज इफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन प्रूव डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये फर्स्ट पार्ट है। If quadrilateral is a parallelogram, then prove diagonals bisect each other. और दूसरा पॉइंट है, if diagonals bisect each other, then prove quadrilateral is parallelogram. अब मीनिंग समझा? सर ये क्वेश्चन है ना? Yes, sir. यही क्वेश्चन है अपना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन यही तो है, क्योंकि वहां पे इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ याद है ना? रे पी डबल इंप्लाइज क्यू का मीनिंग क्या था? हाँ सर, इसका मीनिंग था पी इंप्लाइज क्यू एंड ऑल्सो क्यू इंप्लाइज पी, ये मीनिंग था। तो इसलिए ध्यान दो, यहां पे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन बहुत सिंपल बोला, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मीनिंग ये बनता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन फर्स्ट वी हैव टू शो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन वी हैव टू शो इज अ पैरेललोग्राम। तो दोनों चीजें प्रूव करनी है। ठीक, सिर्फ ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बहुत ज्यादा इजी है। हेलो हेलो। यस सर। प्रूव एक मिनट में होगा, प्रूव सिर्फ एक मिनट में होगा, सिर्फ ये समझ लो कि ये करना क्या है। ठीक है, थैंक्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। इफ पैरेललोग्राम, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम,
ये मैं ले रहा हूं, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम तो हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ले लो। मैंने लिया ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक। अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, याद करो, हमें प्रूव करना है कि हेलो सर ऐसे ले सकते हैं क्या, मतलब अज्यूम कर सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल है पहले ही। अरे यार मैं समझाया उसको समझा ही नहीं। अमन मेरा ये दो स्टेटमेंट पढ़िए, क्या दिया है कंडीशन में, क्या प्रूव करना है अपने को, ये समझ पहले। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन वही दिया है ना। हाँ तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, देखो वापस तू ना कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ स्टेटमेंट जो दिया है उसको ध्यान से पढ़। स्टेटमेंट बोल रहा है पी डबल इम्प्लाइज क्यू, और पी डबल इम्प्लाइज का क्यू का मतलब होता है पहले ये दिखाना कि पी इफ पी देन क्यू, और फिर दिखाना कि इफ क्यू देन पी। तो मैं वही कर रहा हूँ, इफ पी, पी मतलब यहाँ पे क्या हुआ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, और क्यू का मतलब क्या हुआ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। So if quadrilateral is parallelogram, then diagonals bisect each other, ये first part हुआ। और second part है if Q then P, so if diagonals bisect each other, then quadrilateral is parallelogram। हाँ सर समझा, हाँ thanks। So if quadrilateral, first part में जा रहा हूँ, if quadrilateral is a parallelogram, अगर quadrilateral parallelogram है तो इतना तो मुझे मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल, तो कोई भी अपोजिट साइड्स आप एक ले सकते हो। मैंने लिया ए बी is equals to DC. Since AB is equals to DC, और मुझे प्रूव क्या करना है कि diagonals जो है diagonals AC और BD bisect करते हैं P पे। bisect करने का मतलब क्या हुआ, हमें ये दिखाना है कि P जो है मिड पॉइंट है AC का और BD दोनों का, मिड पॉइंट P है। और मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हमें दिखाना है P bar equals to A bar plus C bar upon 2, और P bar equals to B bar plus D bar upon 2, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक। यस सर, हाँ। तो मैं अब इसलिए पोजीशन वेक्टर फॉर्म में जा रहा हूं, ए बी इज नाउ बी माइनस ए, डी सी इज नाउ सी माइनस डी। अब मैंने बी प्लस डी, डी को इधर भेजा, सी प्लस ए उधर भेजा, ठीक। बोथ आर इक्वल, हाँ ये ध्यान दो, दोनों इक्वल है। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको कहा था, ध्यान दो, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है P is midpoint of AC and same P is midpoint of CD। midpoint प्रूव करना मतलब मेरे पास midpoint फॉर्मूला है, and that we have to mathematically show that P bar is A plus C upon 2 and P bar is B plus D upon 2। तो अब देखो आपका काम हो चुका है, B plus D हो चुका है, C plus A आ चुका है, तो अब आपको क्या चाहिए, upon 2 चाहिए। अरे equals to sign है, dividing by 2 both sides। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, dividing by 2 on both sides। अब क्योंकि हाँ सर बराबर, इसको अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा वो सुनो, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रीवियस टॉपिक्स जैसे, प्रीवियस बुक्स जैसे क्वेश्चन इसमें सिस्टमैटिक वैसे नहीं दिया है, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको पहले क्लियर होती। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इसको पढ़ रहा हूं, कोई तो एक पॉइंट है, क्या हो रहा है, ओके कोई तो एक, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं प्लीज ध्यान से समझना, सिंस हियर वी हैव बी प्लस डी बाई टू, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई तो एक पॉइंट है,
कोई तो एक पॉइंट है जो BD को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कोई तो एक पॉइंट है जो BD का मिड पॉइंट है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है मतलब मिड पॉइंट है। सेम ऐसा भी बोल सकता हूं यहां इसके लिए, कोई तो एक पॉइंट है कि AC को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, या ऐसा बोल सकता हूं कोई तो एक पॉइंट है जो AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई तो पॉइंट BD का मिड पॉइंट है, यहाँ कोई तो पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अरे दोनों तो इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है मतलब दोनों का जो डिविजन वाला पॉइंट है कोई एक ही पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट इज P, और हेंस लिख सकते हैं हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये हो रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, खत्म। आपका फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सर ये लास्ट पॉइंट फिर से बताना। लास्ट पॉइंट मतलब जो लिखा मैंने वो वाला या उससे पहले वाला स्टेप जो मैंने बोला वो वाला? हाँ सर वो पी लेट पी वाला। हाँ मैं यहाँ पे जो तुझे दिख रहा है एक चीज कि बी प्लस डी बाई टू दिख रहा है, सबको दिख रहा है बी प्लस डी बाई टू है। अगर बी प्लस डी बाई टू है इसका मतलब ये क्लियर है कि कोई ना कोई पॉइंट BD का मिड पॉइंट है, यही समझ में आता ना उससे? हाँ सर। अगर ए प्लस बी बाई टू लिखेगा मेरे भाई, ए प्लस बी बाई टू लिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, किसी ना किसी पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला है AB के लिए, बराबर। तो सेम चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि BD का कोई ना कोई मिड पॉइंट है, तब ये फॉर्मूला आया, और यहाँ देख के लग रहा है कि अरे AC का भी कोई ना कोई मिड पॉइंट है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट तो कोई सेम है, इसका मतलब इसलिए इक्वल है, कोई सेम मतलब दैट पॉइंट इज P, हमने वही लिया है। P जो है AC को भी मिड पॉइंट कर रहा है और P जो है BD के लिए भी मिड पॉइंट है, वही तो हमें प्रूव करना था। P एक ही पॉइंट दोनों के लिए मिड पॉइंट है मतलब बाइसेक्ट करता है। हाँ सर समझा अभी। हाँ थैंक्स। अब उसके बाद इसका कन्वर्स देखो, इसके कन्वर्स में जाना है हमें। कन्वर्स क्या था कि इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे क्या था क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन टू शो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या बोल रहा है, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन टू शो इज अ पैरेललोग्राम, मतलब उल्टा चलना है, ठीक उल्टा चलना है। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर दिया है मतलब ये आपका डेटा है, डेटा है, उसके बाद इस स्टेप पे 2:2 कैंसिल करोगे, इस स्टेप पे जाओगे, इस स्टेप के बाद स्टेप पे जाओगे, ये स्टेप पे जाओगे, फिर बोलोगे अरे AB इक्वल टू DC, इसका मतलब AB इज समथिंग इनटू DC, दैट समथिंग इज 1, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC, एंड मॉड AB इज इक्वल टू मॉड DC, दैट मींस इज अ पैरेललोग्राम, खत्म, सम ओवर। हां सर। नहीं समझा? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये पॉइंट समझना, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक दोनों स्टेटमेंट जब तक नहीं समझोगे तब तक आंसर आपका ढूंढना मुश्किल है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले हमें दिखाना है P इफ P देन Q और फिर दिखाना है इफ Q देन P। तो पहले मैंने किया इफ P देन Q और फिर दिखाना है इफ Q देन, यहां जाना था, उल्टा जाना था। तो अगर इफ क्यू मतलब ये डेटा है, ये डेटा है, तो आपको ये स्टेप आराम से मिलेगा, 2:2 कैंसिल करोगे तो ये स्टेप मिल गया, तो ये स्टेप मिलेगा, ये स्टेप मिल गया, तो ये लिख सकते हो, वही तो आपको प्रूव करना है। अब भी अपनी हमें पैरेललोग्राम वाला कहानी प्रूव किया, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया था, अपोजिट्स अगर एनी वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अदर वेक्टर इज अ पैरेलल, वही तो हमने यहां पे किया। इफ AB इज गिवन इक्वल्स टू DC इट मींस इज अ पैरेलल। मतलब सेकंड केस में आपको नीचे से ऊपर चलना है, आप लोग जो लोग को भी अभी भी कंफ्यूजन है ना, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन प्रूव करने क्या बोला है, तो आपको समझेगा। फर्स्ट केस में जो डेटा है सेकंड केस में वही प्रूव करना है, और फर्स्ट केस में जो प्रूव करना है सेकंड केस में वही डेटा है, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक, हेलो। अच्छा एक बात और सुनो, नो डाउट टाइम हो चुका है, मैं जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो हेलो हेलो
मुझे दो तीन सम ही करना है. यस, मुझे दो तीन सम ही करना है. मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, द सेकंड एप्लीकेशन प्रीवियस टेक्स्ट बुक के बेसिस पे. अगेन दिस इज वेरी इजी. स्टेटमेंट पढ़ो, इससे तो कंफ्यूजन नहीं है, सेवंथ जैसा तो नहीं है, सेवंथ से ज्यादा इजी है. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम is parallel to the parallel sides of the trapezium and its lengthwise half the sum of parallel sides. Trapezium एक ऐसा geometrical structure है जिसके बारे में आप लोगों ने सबसे कम पढ़ा है जहां तक मैं जानता हूं. मैंने ये लिया, this is our trapezium. आपको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से. ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल. ये ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी है. पता है सबको कि नहीं? नहीं पता है तो आप सुन लो, ठीक है, कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दूसरा पेयर नहीं हो सकता, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बोल रहा हूं मैं. अब हमें प्रूव क्या करना है, सम को वापस समझो. प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का कोई मीडियन है, मीडियन है मतलब मैं एक ले रहा हूं, लेट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. इसलिए पी क्यू, पी क्यू इज ट्रेपेजियम मीडियन, मीडियन ऑफ दिस ट्रेपेजियम. अब प्रूव क्या करना, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, वी हैव टू प्रूव दैट दैट पी क्यू बार, PQ bar is parallel to AB and parallel to DC. Trapezium, median of trapezium is parallel to parallel sides. जबकि अपना डेटा है, डेटा इज AB is parallel to DC. ये ऑलरेडी अपना डेटा है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रपेजियम इज ऑलवेज पैरल. तो अगर ये प्रूव करना है, कोई सोच रहे हो तो सोच के देखो, अगर ये प्रूव करना है कि PQ is parallel to AB and is also parallel to DC, मतलब हमें किसी एक के साथ parallel प्रूव करना है. एक के साथ कर दिया तो दूसरा तो ऑलरेडी parallel है, तो हमें प्रूव मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक ठीक. यस सर. यस सर. एंड सेकंड सेकंड थिंग क्या प्रूव करना है सुनो. सेकंड थिंग प्रूव करना है ट्रेपेजियम एंड इज लेंथ इज हाफ the sum of parallel sides. Length is mod PQ, half the sum of parallel sides. ये प्रूव करना. Mod PQ bar is half of mod of AB plus DC. ठीक. Yes sir. ये प्रूव करना है, मैं अभी ये बताया. अब हम लोग इसके प्रूफ में जा रहे हैं. देखो, क्योंकि P और PQ मीडियन है, इसलिए P मिड पॉइंट है AD का, Q मिड पॉइंट है BC का. तो सिंपल सा कैलकुलेशन में आ जाते हैं. चलो देखो, PQ बार विल बी Q माइनस P, PQ बार इक्वल्स टू Q माइनस P. क्योंकि Q मिड पॉइंट है BC का, तो Q बार की वैल्यू क्या मिलेगी, B प्लस C बाई टू, B प्लस C बाई टू. माइनस पी है मिड पॉइंट एडी का, तो ए प्लस डी बाई टू. ठीक, कैलकुलेशन देख लो, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अपॉन टू. अब मैं क्या कर रहा हूं, बी माइनस ए साथ में ले रहा हूं, बी माइनस ए प्लस सी माइनस डी साथ में ले रहा हूं अपॉन टू. अब क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा B माइनस ए इज ए बी, सी माइनस डी इज डी सी. ठीक है? यस सर. हेलो 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 हेलो. हाँ, तो 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 आपको क्या मिल रहा है, देखो पी क्यू बार, यहां से पी क्यू आ रहा है, पी क्यू बार इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी. ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आपका डेटा काम आएगा. डेटा क्या था, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा इज ए बी
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यदि गिवन डेटा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंड सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी इट मीन्स वी कैन से ए बी इज समथिंग इन टू डी सी. पॉइंट नंबर वन, ए बी इज समथिंग इन टू डी सी, तो मैं ए बी की जगह पे यहाँ पे समथिंग लिख सकता हूं, समथिंग इन टू डी सी, समथिंग डी सी प्लस डी सी. सो दिस इज नाउ हाफ अल्फा प्लस वन इन टू डी सी, अल्फा प्लस वन इंटू ये प्लस वन है इंटू डी सी. कितना दिख रहा है सबको? यस सर. अब यहां ध्यान दे, अल्फा कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सब का सब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पी क्यू इज समथिंग इंटू डी सी आ गया. इफ पी क्यू इज समथिंग इंटू डी सी आ गया, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि पी क्यू इज समथिंग इंटू डी सी, दैट्स वाई पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी. PQ parallel to DC, DC is here parallel to AB, that's why we can say PQ is parallel to DC is also parallel to AB. AB. यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था. समझा कितना इजी था? और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है टू शो PQ is half of AB plus DC. ये आंसर आपको यही मिल चुका है. मैग्नीट्यूड वाइज PQ is AB plus DC by 2. ये पहले ही मिल चुका है. तो वापस अगर आप ध्यान दे रहे हो, सौरभ ने बोला, वापस एक बार सर शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में कुछ मीनिंग नहीं है, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं मुझे क्या प्रूव करना था. PQ पैरेलल है AB के और PQ पैरेलल है DC के, लेकिन मेरा डेटा मुझे मालूम है AB is already parallel to DC. Since AB is and one vector is parallel to another vector, it means one is something into DC. ये मुझे काम आएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है कि one pair of opposite sides is always parallel. अब क्योंकि PQ के लिए सब प्रूव करना है, तो मैंने PQ लिया. PQ in terms of position vector is Q minus P. Q और P, Q मिड पॉइंट है BC का, इसका फॉर्मूला, P मिड पॉइंट है AD का, उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला रखा. उसके बाद क्योंकि जो मुझे आइडिया था दिख रहा है कि BC एक साइड है, या यहाँ पे ऐसा देखो DC एक साइड है, AB एक साइड है, तो मैंने क्या किया, B प्लस सी ए माइनस डी को B के साथ A को ले लिया, C के साथ D को लिया, B माइनस A इज AB, C माइनस D इज DC, और ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव करता है. और क्योंकि ए बी इज अल्फा डी सी था, तो यहाँ पे मैंने ए बी की वैल्यू रख दिया अल्फा डी सी. यहाँ से मुझे समझा कि पी क्यू इज समथिंग इनटू डी सी. पी क्यू समथिंग इनटू डी सी मतलब इसका मतलब वो पैरेलल है डी सी के, डी सी पैरेलल है ए बी के, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए. मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, शायद बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, मैं मानता हूँ बहुत स्पीड में बोल देता हूँ मैं, बट आई होप सॉल्व करने के लिए सब डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, कुछ ज्यादा ही इजी है. ओके, सो नाउ दिस इज, ये था हमारा एट सम. टेंथ मुझे करना नहीं है. नाइन इलेवन ट्वेल्व करना है. अच्छा, अब देखो नाइन इलेवन ट्वेल्व के लिए मैं आपको, क्योंकि आप लोग बोलोगे टाइम कितना जाता है, तो 9, 11, 12 तीनों एक ही मेथड के सम है, एक ही टाइप के सम है, तो मैं आपको समझाते हुए निकल जाऊंगा, तो आप लोग कर सकते हो. 9, 11 एंड 12. 9 इज इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर ए एंड बी गिवन वैल्यू एंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो जी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट, थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. बहुत इजी, किसी काम का नहीं, आप लोग को खुद से कर सकते थे, लेकिन यही बात है कि हम लोग अलग सिस्टम में भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे होते थे, ये मैं खुद से करवाता ये सब. एबीसी है, सेंट्रोइड का मीनिंग शायद आप लोग समझते रहोगे, सेंट्रोइड इज नॉट ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द ट्रायंगल.
B is minus 4, 5, minus 3. And C sir, is... 3 में divide करता है क्या? 2 is 2, 1 में divide करता है. Minus 1, 2, 1. C हमें नहीं पता है. C को आप लोग कुछ भी ले सकते हो. A, B, C कुछ भी ले लो. नहीं पता है. अब देखो. मैंने आज के लेक्चर के सबसे पहले ही सेंट्रोइड फॉर्मूला लिखा था. सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है? G बार इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 3. तो G बार का मतलब क्या होगा? माइनस I प्लस 2J प्लस K इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 यहां आ गया. A प्लस B प्लस C. A क्या है? 3I प्लस J प्लस 4K. B क्या है? माइनस 4, 5, माइनस 3. माइनस 4I प्लस 5J माइनस 3K. एंड प्लस C. C मैंने लिया है ABC. ABC मतलब AI प्लस BJ प्लस CK. अब इसको तीनों को एक साथ दिखाओ. तीनों को एक साथ दिखाओगे मतलब क्या होगा? देखो 3I माइनस 4I माइनस I प्लस AI माइनस I प्लस AI ऐसा आएगा. प्लस जे प्लस 5J, 6J प्लस BJ, 6J प्लस BJ, 4K माइनस 3K, K प्लस CK. That means what we have now, A माइनस 1 into I, B प्लस 6 is J, and C प्लस 1 is K. ये है अपने पास. और इस तरफ क्या है? देखो इस तरफ है अपने पास माइनस 3i प्लस 6j प्लस 3k. इक्वेट करो. इक्वेट करोगे तो a माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3. देखो a मिल रहा है. b प्लस 6 इज 6. c प्लस 1 इज 3. तो कॉर्ड सी का वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट क्या आया? माइनस 2 कमा 0 कमा 2. किसी को समझा कि नहीं समझा? हेलो. अच्छा हाँ, मैसेज में बोल रहा है. थैंक्स 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 थैंक्स. ये देखो इजिली आप कर सकते हो. सिंपल सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, उसके वैल्यूज दिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया और सम आ गया. ठीक है. अब इसी तरह से जो भी आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो. इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन ओएबीसी इज गिवन. सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था. सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. यहाँ पे चार साइड होते हैं, चार वर्टेक्स होंगे बाय 4. लेकिन करना इसी तरह से है. तो आपको सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन मतलब जी दे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और फोर्थ पूछा है, पी पूछा है. सेम कहानी पूछा है. एंड ऑल्सो उसमें एक क्वेश्चन ऐड किया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन. मतलब पहले आपको एक वर्टेक्स ढूंढना है, फिर वर्टेक्स ढूंढने के बाद उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से फाइंड करना है. दैट इज वेरी इजी. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, खत्म हो गई बात. और क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम टेट्राहेड्रन का ही है. मतलब मैं एक सिंपल बोल रहा हूं. देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स थे. चार में से 3 दिया था, एक पूछा. तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया. टेट्राहेड्रन में 5 है, 1, 2, 3, 4, 5. 5 में से 4 दिया है कोई भी, तो पांचवा आ सकता है ना इजिली. सेम चीज 12th में बोला है, तो पांचवा आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन संभालना. यस. हेलो हेलो. अब मुझे बोल के जवाब दो. मैं अगर ये सब चीजें समझा तो मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा. एक्सरसाइज हो चुका है. तो ये सारे सम्स आपको घर पे अच्छे से सॉल्व करना है. आपने देखा ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है और अगर अच्छे से प्यार से सॉल्व कर लिया जाए तो इजिली काम निकल सकता है. दो एक्सरसाइज निकल चुके हैं इस टॉपिक के. अगला एक्सरसाइज जो है अब डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चलेगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और फिर दोनों का मिक्सचर आएगा, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और टॉपिक उसके बाद आई थिंक 3D भी आएगा इसमें और फिर टॉपिक खत्म होगा. सो प्लीज
इस चीज को जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे करते हुए, और एक चीज ध्यान देना, मैं एडवांस में एक जाता था बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में धीरे धीरे आपके कंफ्यूजन बढ़ेंगे। कंफ्यूजन क्यों बढ़ेंगे पता है, कंसेप्ट आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, फॉर्मूले बढ़ते